खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम गया। एक दिन बाद यानी कि 13 नवंबर को इन चार सीटों पर वोटिंग होगी और वोटिंग के 10 दिन बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इन चार सीटों में से महज इमामगंज ही एनडीए की सिटिंग सीट है, बाकी सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी और इस लिहाज से भी ये उपचुनाव बेहद अहम है क्योंकि उपचुनाव के कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए, प्रचार खत्म, अब जनादेश की बारी। 2025 से पहले कौन पड़ेगा भारी? बिहार में सत्ता का सेमीफाइनल। बिहार में 13 नवंबर को होने वाले चार सीटों के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने आखिरी समय तक धुआंधार प्रचार किया। अब 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को जनता का जनादेश आ जाएगा। इससे पहले अपनी अपनी जीत के दावे हैं। लालू यादव की पार्टी का दावा है कि इस बार उपचुनाव में सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रही है, पार्टी चुनाव लड़ रही है। लालू जी की पार्टी है और लालू जी की पार्टी रामगढ़ से जीतेगी जीतेगी। अरे भाई पटिया हमनी के जीतेगा, सरकार 25 में बनाएंगे। लालू यादव की पार्टी जीत का दावा कर रही है तो एनडीए कुनबे के नेताओं की दलील है कि उपचुनाव में ना तो पीके का असर होगा ना ही लालटेन पार्ट 2 आएगा। सभी चार सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी। उनकी भाषा सुनकर हमें हंसी लग रही है। चुनाव में एनडीए गठबंधन चारों का चारों सीट लेगी। देखिए प्रचार का आखिरी दिन है आज और आप मान के चलिए कि एनडीए इस बार चारों सीट पर, जो उपचुनाव का क्षेत्र है, चारों सीट पर हम लोगों को बड़ा मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चारों सीट पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आगे चारों सीट पर एनडीए चुनाव जीतेगी ये लोग देखते रह जाएंगे, चूंकि वोट का प्रतिशत और जनता का रुझान एनडीए के तरफ है। राजनीति के छुरछुरी पटाखा निकले प्रशांत किशोर जी, इनका तंबू उखड़ गया, ये जगह जगह तंबू लगाए हैं, तो जनता लालटेन पार्ट 2 को पसंद नहीं करेगी, यह हमारी उम्मीद है। बिहार में पहली बार किस्मत आजमा रही प्रशांत किशोर की पार्टी के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अभी तक फाइट सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए में था, अब जनसुराज की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। पटना से रुपेंद्र और निषेध की रिपोर्ट, सीमित है।